नमस्कार, खानानामा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मसाला पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी। ये सब्जी बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी अच्छी बन करके तैयार होगी फ्रेंड्स, तो आप इस सब्जी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए हुए इस मसाला पनीर की सब्जी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल या घी डालें आप, उसमें थोड़ा सा दालचीनी, दो इलायची और दो लौंग और एक तेज़पत्ता डालेंगे और इसे हमें तेल में मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग डालेंगे, इसे भी हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है तेल में। अब हम दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिसे हमने फाइन पेस्ट बना लिया, इसके साथ हमने अदरक और लहसुन भी पीस लिया था, इसे हमें एक मिनट पका लेना है। अब हम दो से तीन टमाटर की प्यूरी बना लिए हैं, इसे भी हम इस प्याज के साथ दो मिनट तक के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे। दो मिनट हो गए हैं, हमारा टमाटर भून गया है। अब हम इसमें अच्छा सा रंगत आने वाला हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। तो ये मसल ची का बहुत ही अच्छा रेड चिली पाउडर है फ्रेंड्स, इससे हमारी ग्रेवी में कलर बहुत ही अच्छा आएगा, तो हम इसे डालेंगे। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये हम दो चम्मच इसमें डाल देते हैं, साथ ही में धनिया पाउडर डाल देंगे दो चम्मच, और इसमें 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हम काली मिर्च डालेंगे क्रश किया हुआ, और इसे हमें अच्छी तरीके से मसाले में भून लेना है। इसे 2 से 3 मिनट आप अच्छी तरीके से मसाले में भून लें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्रेवी में आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और फिर से हमें इसे मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप पका लें, फिर इसे हमें ढक करके 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। तो फ्रेंड ये हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी बन गई है। तो अब हम इसमें फ्रेश मलाई डाल देंगे, ये 2 से 3 चम्मच मलाई है जिसे हमने फेंट लिया है, इसे भी हम सब्जी में डाल देते हैं। और इसे इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी भी साथ में डाल देंगे और इसे मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो फ्रेश मलाई डालें और चाहे तो अमूल का फ्रेश क्रीम आता है, आप उसे भी इसमें ग्रेवी में डाल करके अच्छी तरीके से पका लें। अब हम इसे ढक लेते हैं 2-3 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा इस ग्रेवी का कलर आया है। आपको जितना गाढ़ा या पतला करना है उसके हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। तो ये थोड़ी देर ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, इस आप ग्रेवी को आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहे तो फ्रिज में 4-5 दिन के लिए रख सकते हैं, फ्रीजर में आप इसको 10-15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब कभी आपको इच्छा हो आप ग्रेवी निकालिए और सब्जी बनाइए। तो चलिए अब हम मसाला पनीर बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डालेंगे, आप चाहे तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं या ऑयल और बटर दोनों भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 200 ग्राम पनीर जिसको मैंने क्यूब में काट लिया है उसे हम डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम ये रेड चिली पाउडर डालेंगे जिससे हमारे पनीर में बहुत ही अच्छा कलर आएगा, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, और बस हमें इसे पकाना नहीं है। 2-3 हरी मिर्च डाल देंगे और इसे हमें अच्छी तरीके से बस मिक्स कर लेना है ताकि बटर में और लाल मिर्च पाउडर मसाले में अच्छी तरीके से हमारा पनीर मिक्स हो जाए। अब हमने जो ये ग्रेवी बनाया था उसे हम डाल देंगे। बस इस तरीके से आप ग्रेवी बनाइए, और पनीर की सब्जी, राजमा वगैरह कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से मसाले को पनीर में मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और फिर से हमें मिक्स कर लेना है। हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा ही पनीर में पानी हमें डालना है। अब हम 2 मिनट के लिए सब्जी को ढक देते हैं, फिर ढक्कन हटा करके हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब फ्रेश धनिया की पत्ती को हम डाल देंगे और इस सब्जी में हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड ये हमारी सब्जी बन करके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा सब्जी का कलर आया है और सब्जी बहुत ही अच्छी बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी अच्छी ये सब्जी बनी है। तो अब हम इसे फटाफट से एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ना कितना अच्छा कलर लग रहा है इस सब्जी का। तो आप इस सब्जी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए।
इस सब्जी को आप रुमाली रोटी, नान, तंदूरी रोटी या पराठे वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मसाला पनीर इतना अच्छा बना है कि आप रेस्टोरेंट का भी खाना खाना भूल जाएंगे। तो आप इस सब्जी को एक बार ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, और हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।